वनाधिकार अधिनियम के तहत वन भूमि पर काबिज लोगों को भूमि के पट्टे देने की बात कही जा रही है। वहीं पन्ना जिले के ग्राम जरधुबा गांव है, जिसमें शासन द्वारा इन 200 परिवारों को विस्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। और साहब, हमको जो जंगल विभाग वाले हमको उठा रहे हैं, वो हमारी समस्या वहाँ अंत गांव में जाएंगे, तो हमको बहुत परेशानी आएगी। हम नहीं जाएंगे ना, चाहे जो हो जाए हम यहीं रहेंगे। हम विस्थापन नहीं करवाना चाहते हैं, हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? अगर हमको ऐसा मकान थोड़ी मिलेगा, ना हमको ऐसी जगह मिलेगी, ना हमको ऐसी पानी लाइट की व्यवस्था मिलेगी। अब कोई गांव में जाएंगे तो क्या हमको ऐसे बना के मकान थोड़ी दे देगा, इसलिए हम विस्थापन नहीं करना चाहते। कितना मुआवजा दिया जा रहा है आपको? ये बोलता है 10 लाख रुपए हमको देना है, ठीक है, और 10 लाख में कटौती, ठीक है। जैसे हम सरकार से लोन ले, पैसा ले, वो हमारा होते कट जाने, ठीक है। और जो बोल रहे हैं कि इतने में चाहे तुम्हारी जमीन लिप जाए या तुम्हारे मकान बन जाए, हमको कोई मतलब नहीं, तो इतने में हम मंजूर नहीं हो रहे। अब हम उतना रहे नहीं जा, नहीं तो हम तो कलेक्टर से कह देते, कलेक्टर साहब तुम अपनी कलेक्टरी करो, हम तो आपको दर बोला, तो हम तो अपनी मंजूरी कर दिखाते हैं, आप तो हमको बना कर देते नहीं हो। हम तो साहब कह देते हैं कि हम उतना मजदूरी नहीं है। देखो तुम पढ़े लिखे हो तो आपके ऊपर है, हम उठा छाप तो आपके ऊपर है, गेती फारे घा लेंगे तो खाएंगे, नहीं तो अपने बैठे रहेंगे। मैं यह वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करता हूं कि हमारे यहां के कलेक्टर महोदय आयरन सिंथिया के 077-32-25-20-03 में कॉल करें, जिससे इन 200 परिवारों को पुनर्वसन नीति के तहत पुनर्वास मिल सके। मैं लक्खू प्रसाद, ग्राम जरधुबा से इंडिया अनहट के लिए।